नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दबंगों का कहर आज भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दबंगों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को फ्री हैंड किया, ताकि किसी का हक मारने वालों को सबक सिखाया जाए, मगर कुक्षी थाना क्षेत्र के पीड़ित परिवार की सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल मामला कुक्षी के समीप ग्राम हल्दी की रहने वाली रेशमबाई को 26 जून को रेशमबाई के खेत में मकान बनाने से रोका तो चार दबंगों ने मिलकर हमला कर दिया। रेशमबाई बुरी तरह घायल होने से बड़वानी जिला हॉस्पिटल भेजा गया था। कुक्षी पुलिस ने रेशमबाई पर हमला करने वालों पर पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में मामला दर्ज कर दबंगों को चलता कर दिया। वहीं रेशमबाई बड़वानी जिला हॉस्पिटल से उपचार कर अपने घर ग्राम हल्दी पहुंची तो रेशमबाई ने बताया कि दबंगों द्वारा आज भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। रेशमबाई ने बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम धार एसपी साहब के पास जाएंगे। वहीं परिवार के दिव्यांग उकार सिंह मंडलोई ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि यह लोग हमला करने आते हैं तो विकलांग हुआ भाग नहीं सकता, इसके खिलाफ पुलिस कब कार्यवाही करेगी, हमको मार देंगे उसके बाद। वहीं कुक्षी थाना TI कमल पवार ने बताया कि रेशमबाई के ऊपर हुए हमले का मामला दर्ज कर लिया गया है, धाराएं बढ़ाकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लड़े हंता तो हत्या से तो मारे सुतकन को में से आज निकल ऐसे देखे डूले ना हंताल में से लड़े वहाँ बड़वानी को दिया इनने हंता है तो अतरी बच गई हंता तो से मारना खिसकन को इडी में से हाल इन खुरताओ को इडी में से आज राम सिंह अली ने हिरबाई अली ने केल ऐसी ने तीनों जना हसा को में से आज है अतरी बच गई अतरी अलगणी हाल तो आओ तो खरी को में से आज हसे हसी डराई रे देखे डूले ने लड़े में से आज वहाँ को दिया बड़वानी को दिया इन्ने हसी हसी कराड़े न हंता हाल में जाम तेल में से लोड़े थालते देखे दूले ने लोड़े पुलिस आवे चल काई नहीं सुनवाई नहीं करे हाल धरी नौ मिली जाए हाल अतरा साल है गए 7 साल है गए तो हाल तो काई नहीं है जे हंता मारे हाथे झटका दे दाते हाल से काई नहीं कर रहे हाल 7 साल है गीता लगन हालते मारने नु बाट चाहिए जे में से आजे नहंता देखे डूले ने लड़े हालते तेल में हाल सांबी नहीं बोल रहे हाल कुक्सिन पुलिस कानी कार्रवाई करे हाल ते कुक्सिन पुलिस चीनी चा कार्रवाई करे हाल क्या बात हो काम करे तुम क्या दे ये हम होता है घर ने रोज इतनी दाई ने जो धमकी दे ने मार सुनने को इनको है कौन कैलाश ने राम सिंह ने छगनी ने क्या कहते हीरबाई ने रोज इंग इंग खुरावे की हम मेरे दार चला गाड़ी काम करा रहे विकलांग नीते पैसे तुम क्या विकलांग हो? हाँ पैर से? हाँ पैर से दोनों पैर से तो मैं तो दार क्या लगाई लगाड़े काम करा रहा फिर भी वहाँ धमकी दे क्या कहते एक एक काजे तो मार दे दिन तू रही जा तुम मार दे स्क्रीन को कहाँ तक तो डाल डाल सिंह रखो रिपोर्ट डालने जाते तो कुक सी वाले हल्की रिपोर्ट कर दे कोई गिरफ्तार नहीं करा तब क्या कहते कर लेंगे कर वो तो हम कर लेंगे बोलते ऐसा फिर बाद में ये रेशम को ने दो झटका लगा फिर दोनों हाथ में लगा फिर भी उसने कई कार्रवाई नहीं करी गिरफ्तार नहीं करी ये क्या कुक्सी वाले थाने वाले क्या ये मारेंगे जो भी गिरफ्तार करेगा कि पहले भी कई गिरफ्तार करेगा क्या है रेशम भाई अभी तक के कानूनी में क्या निर्णय लिया गया जैसे कि आहत रेशम है इनकी रिपोर्ट पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 282/20 धारा 324 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। फिलहाल उसका मेडिकल करवाया गया है और उसका डॉक्टर साहब ने उसको रेफर किया है, अभी इलाजरत है बड़वानी में और फिलहाल में उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मौके पर जाके जो उनका कब्जा था कब्जा भी दिलवाया गया है पटवारी RI के माध्यम से और वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर अभी तक इन लोगों को कोई गिरफ्तार किया है? अभी उसमें धारा बनने संभावना है, जैसे उसमें दस्तावेज कलेक्शन करके संबंधित कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। धारा बनने की संभावना? हाँ। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से सोएब खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।